क्या कभी आपके मन में आया है कि काश जान पाऊं मेरी बिल्ली क्या सोच रही है? कई ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो आपके पालतू जानवर से आपकी बात कराने का दावा करते हैं। तो क्या कोई उम्मीद नहीं कि एक दिन आप सचमुच आपके पेट के दिल की बात समझ पाएंगे? अर्थ स्पीशीज प्रोजेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर जानवरों के कहे को हमारे समझने लायक भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले तो समझना होगा कि किसी जानवर की भाषा कैसे होती है। इसके लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। शब्दों के आपसी संबंध को ये एक एल्गोरिदम में बदल देता है। इसको एक बहुत बड़ी सुडोकू पहेली की तरह समझ सकते हैं। अगर आप शब्दों के आपस में जुड़े होने की हर संभावना को समझ और सुलझा लेते हैं, तब आपको एक संरचना दिखती है जो कुछ कुछ किसी भाषा जैसी दिखती है। अब तक ये टूल्स केवल इंसान की भाषा के लिए इस्तेमाल हुए हैं। 10 साल पहले शुरुआती लैंग्वेज मॉडल एक लाइन तक का अंदाजा नहीं लगा पाते थे, लेकिन आज लंबे लंबे पैराग्राफ लिख पाते हैं। इसे सीखने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, जिसे रिसर्चर अक्सर इंटरनेट से उठाते आए हैं। लेकिन जाहिर है कि जानवरों की भाषा सीखने में ये तरीका काम नहीं आएगा, इसलिए लैंग्वेज मॉडलों का काम आगे बढ़ाने के लिए डेटा जुटाना होगा। इसकी मदद के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सेटी, सिटेशियन ट्रांसलेशन इनिशिएटिव। इसमें समुद्र और डेटा विज्ञानियों की टीम आइलैंड ऑफ डोमिनिका के पास स्पर्म वेलों की आबादी का अध्ययन कर रही है। इसी डेटा की मदद से मशीनों को वेलों की भाषा सिखाई जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि वेल की भाषा का एल्गोरिदम बन जाता है, लेकिन उसे हमारे समझने लायक भाषा में ट्रांसलेट कैसे किया जाएगा? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इसका भी जुगाड़ है। 2013 में ऐसा पता चला कि भाषाई एल्गोरिदम को ज्योमेट्री के रूप में दिखाया जा सकता है, यानी किसी भाषा में शब्दों के बीच के संबंध को वेक्टर के रूप में दिखाना। जैसे कि ये है अंग्रेजी भाषा का ज्यामितीय रूप, जिसमें करीब 10,000 शब्दों का आपसी संबंध दिखाया गया है। बाद में ये भी देखा गया कि कई भाषाओं का ज्यामितीय आकार मिलता जुलता है। इससे रिसर्चरों ने ये रास्ता निकाला कि भाषाओं के आकार के हिसाब से उनका ट्रांसलेशन किया जाए, यानी भाषा का आकार पहचान कर AI ऐसा कर सकता है। अब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसा ही हम जानवरों की भाषाओं के लिए क्यों नहीं कर सकते? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये देखना होगा कि जानवरों की भाषा का आकार इंसानी भाषाओं के आकार के साथ किस तरह जोड़ा जा सकता है, और यहीं से दोनों के बीच संवाद का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन आप जानवरों से बात क्या करना चाहेंगे? दुनिया के बारे में उनकी सोच, उनके अनुभव तो कितने अलग होंगे ना? हमें बाहर से देखकर उनके लिए जो काफी जरूरी लगता है, हो सकता है वो हमारे लिए रहस्य ही हो। आपको उन्हें ध्यान से सुनना होगा। हो सकता है हमें जो सुनाई दे वो हमें पसंद ना आए। हमें जानवरों के बारे में अपनी धारणा को भी विस्तार देना होगा। अभी हम ज्यादातर के साथ जैसे पेश आते हैं वो बहुत बुरा है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें सुनकर ये समझ आए कि जानवरों के साथ सम्मान से पेश आना होगा। अगर जानवर अपनी बात हम इंसानों को समझा पाए तो शायद इससे पशु अधिकारों को लेकर एक क्रांति आ जाए। अपनी पालतू बिल्ली से बात कर पाना जरूर दिलचस्प होगा, लेकिन देखा आपने कि तकनीक इंसान की सोच और पूरे समाज को कितना बदल सकती है। टेलीस्कोप से हम दूर की चीजें देखने लगे। हमने ब्रह्मांड के पैटर्न को देखा और पाया कि धरती उसका केंद्र नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें अपनी धरती के पैटर्न को दिखाएगी, और शायद तब हम इंसानों को दिखे कि हम इस धरती के केंद्र में नहीं हैं।